देखिएगा क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग देखिए चैप्टर वाइज नीट के क्वेश्चन कर रहे हैं 2008 से 2023 तक का। तो 23 का मेरे बुक में नहीं, पर 2022 का तक का दिया है, तो देखिएगा क्योंकि ये बुक पहले छप गई होगी। तो आप देखिए 18 से 23 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कर लिया, सेकंड कर लिया, अब ये थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें और क्वेश्चन किए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को 2018 में है, तो देखिए क्या है। अ सेटअप, ध्यान से देखिएगा, अ सेटअप एन इक्वल रजिस्टर्स अ वैल्यू आर, मतलब क्या है, कोई जो है एन इक्वल रजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आर, सबकी वैल्यू आर है, कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ दिया गया बैटरी से, जिसका ईएमएफ कितना है ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भी कैपिटल आर है, द करेंट रन इन एन, द करेंट कितना मिल रहा है उससे आई मिल रहा था, ठीक है, करंट कितना मिल रहा है आई, बट नाउ द एन रजिस्टर आर कनेक्ट, जब इसी रजिस्टेंस को पैरेलल में जब कनेक्ट कर देंगे तब जो करंट मिलेगी वो 10i मिल जाएगी, तो वैल्यू अब तो n बताना, मतलब पहले क्या है n रजिस्टर को जोड़ दिया सीरीज में तो करंट i मिल गई, पर रजिस्टेंस कितना r है और इंटरनल रजिस्टेंस भी r है, और बाद में उसी को पैरेलल जोड़ते तो 10i, मतलब उसका 10 गुना मिल गया करंट। तो देखिएगा आप सबसे पहले इन सीरीज में अगर देखिएगा सोल्यूशन में हम लोग जो करेंगे, देखिएगा सीरीज में फॉर्मूला i इक्वल होता है वो e अपान होता है कितना स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ये आप दिखने के लिए अब इसको हम हटा रहे थे, यहाँ कितना हो जाएगा सीरीज में, ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हम लोग का है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा है आर एक का, पर यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं तो एन जुड़े हैं, तो एन आर हो गया, ये हमारा करंट हो गया, इसकी पहली वैल्यू हमने इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब जब हमको पैरेलल में जोड़ना है तो पैरेलल में हम लोग देख रहे हैं 10i करंट मिल रहा है यहाँ पे, और जब हम लिखेंगे E और पैरेलल के लिए क्या लिखते हैं R अपान N लिखा जाता है प्लस कैपिटल R लिखा जाता है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट हो गया E अपान NR प्लस R सीरीज के लिए, और 10i इक्वल E अपान R अपान N प्लस R ये पैरेलल के लिए। सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से जब डिवाइड करना है तो आप ध्यान से देखेंगे E अपान R अपान N प्लस R, और अपान यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का है E, और यहाँ पे एक मिनट बीच में लिखे E अपान N R प्लस R हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए E से ही पहले काट देंगे, और इसमें हमने ये आई से आई काट देना, तो ध्यान से देखें नीचे वाला ऊपर चला, एन आर प्लस आर यहाँ पहुँच गया, फिर अपान यहाँ पे जो आर है ना, आर का इस आर में मल्टीप्लाई होगा, तो आर प्लस एन आर यहाँ पहुँच गया, और टोटल एन यहाँ आ गया स्मॉल एन, यहाँ एलसीएम लेने के बाद, तो हमने क्या मिला कि इससे ये कट गया तो ये एन ऊपर चला गया, तो एन इक्वल टू 10 मिल गया। इसका मतलब है ऐसे 10 रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा मिल गया, तो चलिए हम लोग को ऑप्शन सी है, इसका आंसर सी वाला सही है, तो ऑप्शन सी हम टिक कर दिए। देखिएगा क्या हो गया 10 ओम, इसका मतलब है 10 रेजिस्टेंस को जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, मतलब 10 ही है, उसको जब जोड़ेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू मिलेगी करंट की सिर्फ आई मिलेगी, पर अगर उसी पैरेलल जुठा के जोड़ेंगे तो 10 गुना करंट का मिल जाएगा, तो कितना आर है, तो आर मतलब एन की वैल्यू कितने को जोड़ेंगे, तो 10 रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ध्यान से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है तो आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़